अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बैंकल फ्ला ने इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड के तावन से टोयोटा फॉर्चूनर के ऊपर एक कंपेन दी हुई है, जिसकी आजकल आप बहुत सी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आपको मैं इस कंपेन के बारे में डिटेल से बताता चलूँ कि ये कंपेन है क्या, इन्होंने किस तरीके से ये कैलकुलेशन की है, और स्टैंडर्ड प्लान क्या है, डिस्काउंटेड प्लान क्या है, सारा कुछ जो है मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलें हम स्टार्ट करते हैं इस कंपेन के बारे में। अच्छा, टोयोटा जो फॉर्चूनर है, वो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तीन टाइप की है। एक है टोयोटा फॉर्चूनर जी, एक है टोयोटा फॉर्चूनर वी, और टोयोटा सिग्मा, वो भी फॉर्चूनर की जो है वो टाइप है। तो ये तीन टाइप की जो है वो टोयोटा फॉर्चूनर है, और टोयोटा फॉर्चूनर जी जो है ये इन्होंने अभी लॉन्च की है। इन्होंने कुछ चीज़ें जो है फॉर्चूनर में से इन्होंने कुछ चीज़ें निकाली हैं, और वो चीज़ें निकाल के इन्होंने कम प्राइस के अंदर, ताकि जो लोग फॉर्चूनर लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 5-6 लाख रुपए का इन्होंने फ़र्क डाला है। तो जो है वो, लेकिन कुछ चीज़ें निकाल के इन्होंने लोगों को एक और ऑप्शन दे दी है कि 72,99,000 के अंदर टोयोटा फॉर्चूनर जी भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो ऑफ़र है, ये देखें, डिस्काउंटेड ऑफ़र के बारे में बताया हुआ है। डिस्काउंटेड ऑफ़र है 97,792 रुपीज़, और स्टैंडर्ड ऑफ़र है 1,29,631 रुपये। अच्छा, ये जो डिस्काउंटेड ऑफ़र है, ये इन्होंने एक ये अल्फ़ला रेजिडुअल वैल्यू के थ्रू फाइनेंस करता है, ये उसके थ्रू कैलकुलेशन की हुई है। और स्टैंडर्ड ऑफ़र जो है, जो नॉर्मल इनका स्टैंडर्ड प्लान है, उसके थ्रू इन्होंने ये अमाउंट लिखी हुई है। अच्छा, डिस्काउंटेड ऑफ़र इसके अंदर इसको कहा क्यों जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, डिस्काउंटेड ऑफ़र इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है काइबर रेट, 1 ईयर काइबर प्लस 3 के साथ जो है इसको कैलकुलेट किया गया है। और स्टैंडर्ड ऑफ़र के अंदर जो है वो 1 ईयर काइबर प्लस 4.5 के साथ कैलकुलेट किया गया है, तो इस वजह से इसको डिस्काउंटेड ऑफ़र कहा गया है, इसको नॉर्मल ऑफ़र, स्टैंडर्ड ऑफ़र कहा गया है। अच्छा, आरवी के अंदर वैसे होता क्या है? चले, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ। ये है जी, ये कैलकुलेशन इन्होंने ये जो कंपेन के अंदर की हुई है, वो ये इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है। इन्होंने 30% डाउन पेमेंट रखी हुई है गाड़ी की जो आप देंगे। इंश्योरेंस इसके अंदर जो डाली हुई है वो 2.5%। इन्होंने ये जो अमाउंट है, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट के अंदर 97,792 के अंदर इंश्योरेंस अमाउंट नहीं डाली हुई। आप देखें, ये विदाउट इंश्योरेंस है। विद इंश्योरेंस जो इंस्टॉलमेंट है वो आगे जो टोटल इंस्टॉलमेंट मंथली के अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये हो गई। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने आपको, मैं बता रहा हूँ कि ये रेजिडुअल वैल्यू 5 साल का प्लान रेजिडुअल वैल्यू के साथ इन्होंने निकाला हुआ है। रेजिडुअल वैल्यू होती क्या है कि आपने कुछ अमाउंट जो आप बताते हैं वो आपने एंड वाली इंस्टॉलमेंट के साथ आपने देनी होती है, आपने एंड वाले ईयर के अंदर आपने वो देने होते हैं पैसे। अच्छा, अब इसके अंदर 30% डाउन पेमेंट का मतलब है आपने गाड़ी की 30% दे दी, बाद में आपका जो 70% है रह गया गाड़ी का, उस 70% का अगेन 50% जो है आप, इन्होंने रखा हुआ है कि आप एंड वाली इंस्टॉलमेंट के साथ देंगे। जैसे आप देखें, मैंने सबसे एंड वाले कॉलम में प्लस आरवी अमाउंट, ये मैंने जो है सबसे नीचे 5वें साल के आगे मैंने वो लिखा हुआ है। इस प्लान के अंदर क्या होगा कि आप 25,54,650 रुपये एंड वाली ईयर में देंगे, बाकी ये मैंने आपको टोटल कैलकुलेशन बता दी है। ये देखें, 97,792 रुपये इंस्टॉलमेंट बन रही है। इंश्योरेंस है जी इसके पहले साल की 13,769, दूसरे साल की 12,400 रुपये। इसी तरीके से इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं आगे, और
ये जो है वो अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो आपका ये जो है ये आरवी की कैलकुलेशन आएगी। अच्छा, इसकी मैंने कंपैरिजन किया है स्टैंडर्ड के साथ कि उतने ही डाउन पेमेंट हो, उतना ही इंश्योरेंस हो, तो आप 5 साल का ही प्लान हो तो ये कितने का होगा। तो मैंने ये कंपैरिजन किया तो ये मुझे पता लगा कि स्टैंडर्ड ऑफर मैं ज़्यादा ज़्यादा मार्कअप दे के उसके अंदर काइबर प्लस 3 दे रहा हूँ, इसके अंदर काइबर प्लस 4.5 दे रहा हूँ। ज़्यादा मार्कअप दे के मैं फिर भी ये वाला प्लान मेरा सस्ता है, ये क्या वजह है, क्यों वजह क्यों ये सस्ता है? वो इसलिए कि देखें, आरवी के अंदर बैंक ने फाइनेंस ज़्यादा किया है, वो बैंक ने तो पैसे लेने हैं अपनी उस अमाउंट के ऊपर जो उसने फाइनेंस की हुई है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट ये जल्दी रिड्यूस हो रही होती है, आरवी के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी रिड्यूस नहीं होनी, इस वजह से वहाँ पे मार्कअप ज़्यादा पड़ जाता है। इधर रेट तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी जो है ये मैंने कैलकुलेशन की थी तकरीबन 6-7 लाख रुपए का इधर फ़र्क पड़ रहा था। स्टैंडर्ड प्लान आपका जो है वो तकरीबन 5-7 लाख रुपए सस्ता पड़ रहा है दूसरे प्लान से। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, आरवी प्लान किन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है? आरवी प्लान उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो लोग चाहते हैं कि मेरी इंस्टॉलमेंट भी थोड़ी बन जाए और मैं गाड़ी जो है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसको मैं एडजस्ट करवाना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए आरवी प्लान बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड प्लान में जाएंगे तो अर्ली जब इसको मैच्योर करेंगे या इसके पैसे देंगे तो आपको पेनल्टी भी साथ देनी पड़ती है। अगर आपको पता है कि मेरे पास 2 साल के बाद एक जगह से इतने पैसे आने हैं और मैं तब सारी गाड़ी क्लियर कर लूँगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आरवी की तरफ चलें। उम्मीद है कि आपको जो है इसके बारे में जो है पता लग गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह आपके जहन में आ रहा हो, ये कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या है, या सो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं आपको उसके रिलेटेड इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, दूसरा मॉडल है टोयोटा फॉर्चूनर। अब इसकी कीमत है जी 79,99,000 और इसकी डिस्काउंटेड प्राइस आ रही है 1,07,170 और स्टैंडर्ड ऑफर है 1,42,000। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफर के अंदर आपने एंड में कोई पैसे नहीं देने होते, आप बस वही जो नॉर्मल आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही है वही आपकी चल रही होती है। मैंने जो है आप लोगों को बताने के लिए स्टैंडर्ड और आरवी दोनों मैंने आपके सामने रखे हुए हैं ताकि आपको इसके अंदर जो है वो आप इसको सही तरीके से आप देख सकें। ये है जी इसकी कैलकुलेशन, 30% डाउन पेमेंट के साथ इंश्योरेंस 2.5% और 5 साल के लिए और 50% आरवी। ये टोयोटा फॉर्चूनर वी की कैलकुलेशन है। इसके अंदर देखें आपने जो है एंड पे जो एंड वाले साल में जो आपने पैसे देने हैं इंस्टॉलमेंट के साथ वो आपने देने हैं 27,99,650 रुपये। ठीक है, तो चलें अब ये जो है ये स्टैंडर्ड प्लान है। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर जो है ये इसका ये है कैलकुलेशन, आप इसको अच्छे तरीके से ये देख लें। ये इसका जो है इसके अंदर कोई हमने एंड वाले साल के अंदर यही बस यही कैलकुलेशन होगी और इसके अलावा डाउन पेमेंट होगी, डाउन पेमेंट दोनों की सेम रखी हुई है, दोनों की सारा कुछ प्लान के अंदर जो है वो कोई मैंने साल के अंदर चेंज कमी बेशी नहीं की, मैं इंश्योरेंस के अंदर कोई कमी बेशी नहीं की, डाउन पेमेंट के अंदर कमी बेशी नहीं की। ये मैंने इसलिए आपको उसी तरह का बनाया है ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकें। अच्छा, ये टोयोटा सिग्मा है 4x4, ये जो है 86,49,000 इसकी कीमत है, इसकी डिस्काउंटेड ऑफर है 1,15,879 और स्टैंडर्ड ऑफर है 1,53,608 रुपये। देखें स्टैंडर्ड ऑफर 1,53,608 रुपये में, चलें मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें ये देखें 1,53,608 रुपये, ये भी बगैर इंश्योरेंस के जो है आप सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम में देखें इंस्टॉलमेंट इन रुपीज़ इसके अंदर वही पैसे बन रहे हैं। तो दोस्तों, अजान भी शुरू हो गई है, मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ और आपको नोटिफिकेशन आता रहे, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।